मुझे जेल हो जानी है क्योंकि सीन ही ऐसा यार। चार सालों में पहली बार ऐसे हो रहा है कि मैं बाइक को 80 की स्पीड में चला रहा हूँ। मतलब मुझे स्पीड से काफ़ी डर लगता है। 40 और 60 मेरी ना ऑफिशियल स्पीड है, लेकिन क्या पता मंजिल मेरी एबटाबाद है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी डर जल्दी हो रही है जाने के लिए। खैर, मैं पिछले 10 दिनों में कोई ये चौथी दफ़ा एबटाबाद वापस जा रहा हूँ कहीं भी। अभी मैं कश्मीर हाईवे पे हूँ और कश्मीर हाईवे का नया नाम श्रीनगर हाईवे हो गया है। मतलब पहले अच्छा नहीं लग रहा था कि पूरे कश्मीर के नाम से हमने हाईवे बनाई थी, तो उसको बस एक छोटा सा श्रीनगर के नाम से आप बन दिया। यार मैं जितनी दफ़ा भी खानपुर डैम के पास से गुजरा हूँ ना, चार दफ़ा जब भी मैं गांव गया हूँ, तो हर दफ़ा खानपुर डैम बंद होता था। आज पहली दफ़ा ऐसे कि खानपुर डैम खुल गया। मतलब यहाँ पे सारी ना वापस से सारी स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी सारी हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे दो चीज़ें करूँगा, एक मेरा दिल कर रहा है मैं जेट स्कीइंग करूँ और दूसरी हॉर्स राइडिंग तो मस्ट है भाई, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ हॉर्स राइडिंग तो लाजमी होती है। अच्छा सीन ये है कि अभी हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ मैं, जेट स्कीइंग नहीं कर रहा क्योंकि मुझे देर हो रही है। खैर, जेट स्कीइंग मैं कभी फिर कर लूँगा किसी दोस्त वगैरह के साथ आके। अभी मैं हॉर्स पे बैठा हूँ, ये बड़ा मज़ा आया। मतलब कि यार मैं कहीं भी जाता हूँ मैं हॉर्स राइडिंग मेरी मस्त होती है, तो अभी हॉर्स राइडिंग मज़ा ले लिया। इतनी स्पीड से चला नहीं जितना मैंने पिछली दफ़ा चलाया था, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी जब मैं खानपुर से आ रहा था उस टाइम मुझे काफ़ी भूख लगी थी, हालांकि मैं खाना खा कर आया था घर से। खैर मुझे फिर उस टाइम मैं खाने लगा, मुझे याद आया कि यार हरिपुर में एक रबी दूध वाला जहाँ हम ना बचपन से 4-5 हज़ार साल पहले ना हम लोग रबी दूध पिया करते थे, तो वहाँ से मैं रबी दूध पी के अपना पेट भर लूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बंद था। खैर अभी मैं 27 साल आया हूँ, यहाँ से मैं कोई जूस वगैरह पीऊँगा, मिल्क शेक वगैरह। और अगर आप कभी एबटाबाद जा रहे हो और 27 साल से आप पकौड़े खाना ना मज़ा ना आया तो बात कर। यार अभी मैं इन्हें मैट्रिक्स रिकॉर्ड कर रहा था और जूस उठाते हुए सारा जूस जो है ना मेरी शर्ट पे गिर गया। अभी मैंने इसको पानी तो मार लिया, अभी ना निशान छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ा है जो मैंने यहाँ पर 2 दिन गुजारना, क्योंकि मेरे कपड़े परसों आने अभी लेकर आए मोटी हो अभी बस वो के गंदा ना हुआ। शुक्र अंदर नहीं चला गया, बिल्कुल बाल बाल बचा है। दिल की धड़कन से यार रात को गांव आकर ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि अंधेरा हो गया था, और रात को हमने कोई फायरवर्क्स वगैरह किए थे क्योंकि मेरे कज़न की शादी है, इस वजह से मैं बार बार एबटाबाद और ये पिंडी का चक्कर लग रहा था। रात को जब मैं सो रहा था मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो देखा मैंने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, मतलब रात को इतनी ठंड हो गई थी। यार एक और बात, रात को जब मैं आ रहा था गाँव नीचे शहर से गाँव आ रहा था, तो मेरे बाइक की हेडलाइट जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, मतलब चल नहीं रही थी। तो अभी मैंने जाना है नीचे बाज़ार, उसकी हेडलाइट भी ठीक करानी है। मुझे एक और काम था, मैंने गोलियां शोलियां लेनी थी, यू नो शादी में ज़रूरत पड़ती हैं। और दूसरी बात, मुझे कुछ ना बेल्ट लेकर आनी है, क्योंकि मैंने पैंट में बेल्ट नहीं पहनी हुई, तो वो भारी चीज़ें होनी है, तो ये ना पैंट उतर ही जाए, तो इज्जत बचाने के लिए बेल्ट ज़रूरी है यार। ये तो मैं ना अभी मैं ना अपने अब्बू की एक बात बताता हूँ। शादी से पहले ना मेरे अब्बू आलिम बन रहे थे, तो 10 साल का कोर्स था, मेरे अब्बू ने 8 साल का कोर्स किया। तो उस बीच में ना मेरे ख़ास से अब्बू की शादी हो गई थी, तो अम्मी को जहेज़ में टीवी मिला था, तो जो जहेज़ में टीवी मिला था अब्बू ने वो इधर से खाई में आके नीचे फेंका था यहाँ से, कि नहीं ये चीज़ घर में नहीं आनी है।
यार मैं जब गांव आ रहा था मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई इतना बड़ा ब्लॉग बनाऊंगा। मैं समझा था मैं सिर्फ एक शादी का ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन अब इतनी ज़्यादा शूट कर लिया। मेरे ख्याल से मैं जब तक इधर हूँ कोई ना कोई मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा। तो अब मुझे मेरे ख्याल से इस ब्लॉग की जो शादी के ना सीरीज निकालनी पड़ेगी मुझे, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पार्ट होने लगे। शादी को अभी कोई 5-6 दिन है, तो गाँव में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो करने के लिए हैं, दिखाने के लिए हैं। तो यू नो फिर दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना बिस्तर धरे। यार सीन ये है कि हवेलियाँ से मुझे कोई सामान मिला नहीं था। मैं अभी अपने कज़न की तरफ आया हूँ, ये मुझे इस वक्त सवाल कर रहा है। ये सवाल के पहले कभी ब्लॉग में आया नहीं होगा। इसने मुझे बुलाया, अब तब जा तेरा काम करवा दूंगा, लेकिन अभी तक मैं कसम से 2 घंटे हो गए, मैं अभी तक वो काम नहीं हुआ। मैं लेटा हूँ यहाँ पे शॉप पे। इसने कभी पहले नहीं खाया और कह रहा है कि मुझे किसी कबाब का टेस्ट नहीं है, तो मैंने कहा आज टेस्ट करना, फिर जाके भिंडी में टेस्ट करना। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या करता है। अभी हम कबाब खाएंगे। अच्छा यार सीन ये है कि अभी हम लोगों ने कबाब खाए और लिटरली इतने मज़ेदार कबाब थे ना कि क्या बताऊँ यार। अगर आप लोग मानसेरा जाते हो, नारायण जाते हो ना, तो यार मुझे जगह नाम भूल गया, यहाँ से कबाब ज़रूर खाना। सही है। अच्छा यार सीन अभी ये है कि अभी ये मैंने बैग पहना हुआ है ना, इसमें ऐसा सामान पड़ा हुआ है कि मैं आई एम डन, यू नो मुझे जेल हो जानी है, क्योंकि सीन ही ऐसा है यार, आज बड़े ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। खैर अभी इस बार क्या था,